अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, सब्जेक्ट ENV, स्टैंडर्ड 4. गाइस, डू यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर? आई हैव एक्सप्लेन स्टोरी अबाउट नंदू. ओके, नंदू की स्टोरी हमने एक्सप्लेन की थी कि नंदू कौन है. ओके, नंदू इज अ बेबी एलिफेंट, और वो कितना उसको कितना उसने एंजॉय किया था पानी में खेल के अपने कजिन्स के साथ, है ना. और उसने मड में पूरा अपने आप को कवर कर लिया था, एंड देन ही वॉज गोइंग टू दी वॉटर, और उसने बहुत सा एंजॉय किया था. अगर आप भी कहीं पे घूमने जाओ, लाइक फार्म हाउस और एनी, ओके, कहीं भी जगह पर और एनी वाटर पार्क, तो आप भी आई होप इतना सारा एंजॉय करोगे विथ योर कजिन्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स. ओके बेटा, एंड वी हैव कम्प्लीटेड दिस बोथ क्वेश्चन ऑल्सो, and I have sent PDF to you also. Okay, so today we will start these question answers. Guys, please sit with your notebook and pencil, so that whatever I write here you have also write down in your notebook. जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगी आपको भी अपनी notebook में साथ ही में लिखते जाना है. Okay, and I will send PDF also इन अवर ग्रुप. अगर आपका कुछ रह जाता है ड्यूरिंग जूम, आप अगर नहीं लिख सकते हो ड्यूरिंग वीडियो, ओके, तो आप नहीं लिख सकते हो, तो आप वो PDF के थ्रू भी लिख सकोगे. गॉट इट बेटा? सो लेट्स स्टार्ट. डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? आप क्या ग्रुप में रहते हो? ओके, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टूगेदर लाइक दैट, जैसे नंदू एंड हिज फैमिली? ओके, और उसके जो कजिन्स है वो सारे ग्रुप में रहते हैं, उसकी मम्मी जो ग्रुप, वो सारे कैसे रहते हैं? टुगेदर, एक साथ में होकर रहते हैं. सो डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, वैसे ही आपको रहना पसंद है? यस और नो? देन व्हाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? वी हैव टू गिव अवर आंसर हियर. हमको क्यों नहीं गमता है? ओके, व्हाई आई वुड लाइक, क्यों हमको गमेगा ग्रुप में रहना? और व्हाई आई वुड नॉट लाइक, क्यों मुझे पसंद नहीं आएगा ग्रुप में रहना? व्हाई? ओके, सो हियर वी हैव टू राइट डाउन रीजंस. सो which reasons about why I would like, okay, in like together, and why I would not like to live together. Okay बेटा, हमको यहाँ पर ये हमारे reasons देने हैं कि हमको क्यों group में रहना पसंद है और group में रहना क्यों पसंद नहीं है. Okay, so guys, are you ready? Okay, let's start. चलो बेटा, first of all, तो why I would like, मुझे क्यों पसंद है group में रहना? सो हियर वी कैन राइट, वन फील सिक्योर ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप. सबसे पहले तो क्या है, एक ऐसी फीलिंग रहती है हमारी कि हम ग्रुप में रहे तो हम क्या है, सिक्योर रहेंगे, मतलब हम सेफ रहेंगे, है ना. ग्रुप में अगर हम रहेंगे तो हम सेफ रह सकते हैं. तो सबसे पहले तो मुझे ग्रुप में रहना क्यों पसंद है? वाई आई वुड लाइक टू लिव टूगेदर? बिकॉज ओके आई फील सिक्योर ड्यू टू लिविंग इन अ, ओके, लिविंग इन अ ग्रुप. चलो लिखो बेटा, वन feels, FELS, feels secure, SECURE, secure due to living in a group. One feels secure due to living in a group. Now, second, why I would like to live in a group? Okay, so we feel loved due to living in a group. हम अगर जितना हम ग्रुप में रहेंगे, जैसे बच्चों आप अपने घर में आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, आपके मम्मी पापा, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप सब टुगेदर रहते हो, ठीक है, साथ में रहते हो, तो आप कितना अच्छे एक दूसरे को चाहते हो कि भाई मेरे मम्मी है, ये मेरे नानी माँ है, ये मेरे दादी माँ है. ओके, तो वो ग्रुप में रहने से क्या होता है बेटा, आप घर में रहते हो तो वो आपका फैमिली ग्रुप ही है, है ना बेटा. तो क्या होता है, हम एक दूसरे से बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को केयर करते हैं. ओके, तो ग्रुप में रहना क्या होता है, एक हमको क्या फील होती है, लव ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप. हम एक, ओके, वी फील लव्ड, एक दूसरे को हम लव करते हैं. तो यहाँ पर ग्रुप में रहने में भी क्या होता है, वो जो एलिफेंट्स है वो दोनों एक सारे एलिफेंट्स, ओके, जो ग्रुप में रहते हैं तो दे ऑल्सो फील लव ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप. ओके, तो यहाँ पर हमको हमारी फीलिंग लिखनी है, हमारे हमको यहाँ पर रीजन लिखना है, दैट वाई आई वुड लाइक टू लिव इन अ, ओके, लिव टुगेदर. सो राइट डाउन हियर,
we feel loved ड्यू टू, और हमको भी कैसा लगता है, देखो अगर आप आपके नानी दादी और सभी के साथ रहते होगे तो आपको हमारे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हमको कितना लव करते हैं, है ना, स्टोरीज सुनाते हैं, फिर हमको अच्छी अच्छी पढ़ने की चीज़ें दुआएं सिखाते हैं, तो वो कितना अच्छा हमको कैसा फील होता है, फील लव होता है ना बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी फील लव ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप, लिविंग इन अ ग्रुप, ओके कैन वी गो अहेड नाउ। अभी और लिखेंगे हम, सो फर्स्ट नेक्स्ट इज वी लर्न टू हेल्प ईच अदर ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप। देखो बेटा हम ग्रुप में रहेंगे ना तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को हेल्प कैसे करनी है, एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, ओके वी लर्न टू हेल्प ईच अदर। तो हमको पता अगर हम अकेले अकेले ही रहेंगे बेटा, ओके सबसे अलग बैठेंगे, अकेले जाके बैठेंगे, तो हम ना किसी की हेल्प करेंगे और कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो वो जो हेल्प करने का जो हमको मज़ा है, जो हेल्प करने की फीलिंग है, उसको हम क्या कर देते हैं, हम वो लेते ही नहीं है। इफ़ वी विल लिव इन ओके इन अ ग्रुप और विथ टुगेदर ईच एंड एवरी वन, सो वी लर्न टू हेल्प ईच अदर ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप। सो राइट डाउन हियर वी लर्न टू हेल्प We learn to help each other, E-A-C-H, each other due to living in a group, okay? देखो बेटा मैं क्यों कंटिन्यू लिख रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई हैव नो मोर स्पेस। आप तो नोटबुक में लिख रहे हो, देन यू कैन राइट डाउन नीटली एंड ओके, आप अच्छे से थोड़ा स्पेस दे के थोड़ा अच्छे से लिखना, ओके एंड वी विल राइट फोर्थ प्रॉपर एंड करेक्ट गाइडलाइंस ऑफ एल्डर इज इजीली अवेलेबल ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप। देखो हम अगर ग्रुप में रहते हैं, ओके हम अगर ग्रुप में रह रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारे एल्डर्स जो है, जो हमसे बड़े हैं, वो हमको क्या दे गए थे, गिव अस प्रॉपर गाइडलाइंस, ओके एंड व्हेन वी विल, हम अगर कुछ गलत करते हैं, ओके व्हेन वी विल डू एनी मिस्टेक्स, तो वो क्या करेंगे, आवर एल्डर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और जो भी हमारे एल्डर्स है, ओके दे विल टेक केयर ऑफ अस एंड विल गिव गाइडलाइंस ऑल्सो एंड गाइडेंस, बहुत अच्छे अच्छे हमको गाइडेंस देंगे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, यू हैव टू डू दिस, आपको ये करो तो ये ऐसे काम हो जाएगा ना, जैसे आपके मम्मी पापा हमको बोलते हैं ना, बेटा ऐसे करो ना तो ये काम अच्छे से हो जाएगा, अगर हार्ड काम है कुछ, हमको प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज़ टू हार्ड फॉर मी, तो हमको हमारे जो एल्डर्स है वो हमको थोड़ा गाइडेंस देते हैं कि बेटा ऐसे करो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक इट ईजी, तो हम उस तरीके से करते हैं। अगर हम ग्रुप में ही नहीं रह रहे तो हम अकेले हो गए तो हम कैसे फॉलोअप करेंगे कि भाई मुझे क्या करना है, ये हार्ड वर्क को ईजी कैसे बनाना है, कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो हम कैसे ले सकते हैं, है ना, सो ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट। सो हियर वी विल राइट बेटा प्रॉपर PROPER प्रॉपर एंड करेक्ट गाइडेंस प्रॉपर एंड करेक्ट गाइडेंस, गाइडेंस स्पेलिंग इज GUIDANCE गाइडेंस, ओके गाइडेंस ऑफ एल्डर्स DERS ELDERS एल्डर्स इज easily available कभी ऐसा होगा, प्रॉपर एंड करेक्ट गाइडेंस ऑफ एल्डर्स इज इजीली अवेलेबल व्हेन व्हेन
वी लिविंग इन अ ग्रुप. ओके सो हियर वी हैव टू राइट दैट ड्यू टू लिविंग इन अ ओके अंडरस्टूड टिल हियर बेटा. नाउ दिस इज व्हाई आई वुड लाइक एंड नेक्स्ट इज व्हाई आई वुड नॉट लाइक. क्यों मुझे ग्रुप में रहना पसंद नहीं है. देखो यहाँ पर तो हमने ये हमारी सारी जो थे रीजंस व्हाई आई वुड लाइक सो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया. नाउ इस टाइम व्हाई आई वुड नॉट लाइक सो हियर वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट रीजन एंड अवर फर्स्ट रीजन विल बी एक ऐसा हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल फाइट्स ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप. देखो बेटा कितना अच्छा कितना स्वीट रीजन है. देर इज अ ओके पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल फाइट्स. अगर आप लिविंग ओके सबके साथ में रहते हो टुगेदर रहते हो. अभी आप घर में भी रहते होगे तो आपके ही साथ का आपका ब्रदर या सिस्टर कोई होगे तो आप क्या करते होगे एक दूसरे से फाइट करते होगे है ना. करते हो ना मम्मी देखो इसने ऐसे किया मम्मी ये देखो ये मुझे बोल रहा है ओके तो आप क्या करते हो ब्रदर एंड सिस्टर्स फाइट करते हो. तो ग्रुप में रहना इसलिए पसंद नहीं है कि वहाँ पर ओके इंटरनल फाइट्स की पॉसिबिलिटीज़ होती है. अगर आप साथ में रह रहे हो तो इंटरनल फाइट्स भी होगी बाद में हम मिल भी जाते हैं बहुत ही जल्दी. ओके सो फर्स्ट रीज़न इज देयर इज THERE देयर इज अ पॉसिबिलिटी बेटा देखो मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ इफ यू कैंट सी देन राइट डाउन विथ स्पेलिंग POSSIBILITY ओके LINTY पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल फाइट्स ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप. हाउ स्वीट रीजन इज दिस इन अ ग्रुप. ओके नाउ वी विल सी सेकेंड रीजन. अभी देखो बेटा सेकेंड रीजन हम क्या ले सकते हैं दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ओके लिव इंडिपेंडेंटली. अगर आप आपकी फैमिली में ग्रुप में रहते हो तो उसमें क्या होता है आपकी जो पॉसिबिलिटीज होती है इंडिपेंडेंटली की रहने की. ओके आप इंडिपेंडेंस होकर नहीं रह सकते हो मतलब कि ग्रुप के जो रूल्स होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ बातें होती है जो हमको फॉलो करनी होती है. अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो किसी की बात नहीं सुनूं मैं तो मेरी मर्जी से ही करूं अगर ग्रुप में ये लीडर ने हमारे ये बोला है आई डोंट ओके फॉलो दिस तो क्या होता है वो आपकी जो एक इंडिपेंडेंट आपको जो रहना होता है ना बेटा वो ग्रुप में नहीं हो सकता है. क्योंकि हम तो देखो घर में फैमिली में रहते हैं ओके कितनी अच्छी स्वीट फैमिली है हमारी तो हमको फैमिली मेंबर्स की बातें सुननी होती है. मम्मी ने बोला है बेटा ऐसे नहीं करना है तो हम वो नहीं करते. बट आप ऐसे बोलो नहीं मैं किसी की बात नहीं सुनूँ मुझे जो करना है वही करूँ तो आप फिर ग्रुप में नहीं रह सकते है ना. और ग्रुप में रहना ये चीज़ क्या है हम यू समझते हैं कि इंडिपेंडेंटली रहना जो है वो बहुत अच्छा है. लेकिन समटाइम्स बेटा हमको ग्रुप में रहना बहुत अच्छा होता है हम क्योंकि हमको नहीं पता है. हम तो अभी बोलेंगे ऐसा करना अच्छा है ऐसा करना बुरा है बट जो हमारे एल्डर्स है दे नो बेटर देन अस है ना बेटा. तो हमको ग्रुप में रह के ही भले हम इंडिपेंडेंस नहीं रह सकते हैं इंडिपेंडेंट अगर रहना है तो कुछ बातें हमको ग्रुप की भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और कुछ बातें हम ग्रुप में बोलेंगे कि भाई हमको ऐसे करना है तो वो हमारी बातें एक्सेप्ट करेंगे. ओके तो अभी हमको यहाँ तो रीज़न देना है दैट्स वाई वी विल राइट हियर इट इज Not possible. POSSIBLE. It is not possible. एक सेकेंड है बेटा. To live independently. TLY. ओके लास्ट में क्या लिखा देखो INDEPENDENTLY इंडिपेंडेंटली. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव इंडिपेंडेंटली. अगर आप ग्रुप में रहते हो तो इंडिपेंडेंटली रहना पॉसिबल नहीं है. ओके आपको थोड़ी बातें कुछ बातें जो है वो ग्रुप के लीडर की जो हमारे ग्रुप में सबसे
बड़े हैं, एल्डर है, ओके, उनकी हमको बातें सुननी ही होती है। सो ग्रुप में अगर किसी को डिपेंड किसी पे डिपेंड रहना पसंद नहीं है तो उनको ग्रुप में रहना भी पसंद नहीं होगा। ओके, नाउ थर्ड वन फेज। ओके देखो नेक्स्ट थिंग हम लिखेंगे, टाइम इज वेस्टेड इन यूजलेस टॉक्स। देखो ड्यू टू लिविंग इन अ, क्या बताया गया है यहाँ पर कि जो हमारा टाइम है, टाइम इज वेस्टेड इन यूजलेस टॉक्स ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप। अगर आप ग्रुप में रहते हो तो बिना काम की बातों में टाइम हम वेस्ट करेंगे। ओके, अगर आप ग्रुप में अकेले रहते हो तो आप किसके साथ बातें करोगे, किसी साथ, तो आप अपना वर्क जो है वो करते ही जाओगे। बट यू आर लिविंग इन अ ग्रुप, देन टाइम इज वेस्टेड इज यूजलेस टॉक्स। जो बिना काम की बातें हैं वो भी हम करने लगते हैं, है ना। आप कभी फ्री हो, आपके घर में भी देखना, कभी दो लोग फ्री होते हैं तो कभी बातें करने लगते हैं, तो कभी हम ऐसी बातें करते हैं जो बिना काम की यूजलेस टॉक्स है ना, तो वो बातों में हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसलिए भी ग्रुप में रहना पसंद नहीं होता है। एंड लास्ट थिंग इज, चिल्ड्रन कैन नॉट बी गिवन गुड एजुकेशन एंड फैसिलिटीज ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप। चिल्ड्रन cannot be given good education and facilities। चलो facilities की spelling बोल रही हूँ बेटा, write down in your notebook, facilities, 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 okay, due to living in a, so here some reasons why I would not like, okay। तो देखो हमने आज क्या कंप्लीट किया बेटा, व्हाई आई वुड लाइक एंड व्हाई आई वुड नॉट लाइक टू लिव टुगेदर। ओके, तो ये रीजंस आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, मैं इसका फोटो क्लिक करके भी आपको सेंड करूंगी, अगर आप यू कैन एबल टू क्लिक सेल्फी, ओके, सॉरी स्क्रीनशॉट, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका और लिख सकते हो अपनी नोट में। ओके, एंड हियर इज सम एक्टिविटी, मेक योर ओन एलिफेंट। यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दी हुई है, हमको क्या करना है, अपना एक एलिफेंट खुद को बनाना हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमको इसे ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो आपको क्या लेना है, एक चार्ट पेपर या प्रोजेक्ट पेपर लेना है और इसी तरह का एलिफेंट जो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, यू हैव टू ड्रॉ सेम दिस एलिफेंट ऑन योर चार्ट पेपर। सेम इसी तरह से आपको डॉट्स देने हैं, इसी तरह से लाइनिंग करनी है। ओके, कट जहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर, हियर यहाँ पर जो सीजर ड्रॉ की हुई है वहाँ पर कट लिखा हुआ है, तो इसी तरह से आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस तरह का, तो ये आपको क्या करना है, चार्ट पेपर पे ड्रॉ करना है और उसके बाद ये जो कट की साइन दी हुई है, ये कट, ओके, तो ये जहाँ जहाँ कट है यहाँ से आपको क्या करना है, कट करना है, बट ओके, लेकिन आपको क्या करनी है, कट करनी है, बी केयरफुल, ओके, नॉट टू कट ऑफ द होल पार्ट। आपको पूरा ये पार्ट नहीं कट करना है, सिर्फ देखो यहाँ पर इतनी लाइन, ये जो रेड लाइन, इतना ही कट करना है, हियर टिल हियर, ओके, इतना ही कट करना है। यहाँ भी देखो जितना आपको रेड पार्ट दिया उतना कट करना है। आफ्टर कट दी मार्क, ओके, जो मार्क दिए हुए वो कट करने के बाद दिस डॉटेड एरिया, ओके, जो डॉट किया हुआ है यहाँ पर वो आपको फोल्ड करना है, बैंड करना है, ओके, और जैसे ही आप बैंड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका जो एलिफेंट है वो स्टैंडिंग ओवेशन में आ गया है, और ये टेल, इस तरीके की आपको एक टेल ड्रॉ करनी है और उसको कट करना है, एंड स्टिक दिस टेल हियर, या बैंड करोगे ना उसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे, एंड गाइस योर एलिफेंट इज रेडी। ओके, सो मस्ट डू दिस इन योर नोट, ओके, ड्रॉ भी करना है आपको, ड्रॉ ऑन योर चार्ट पेपर
एंड उसके बाद आपको जितना भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जैसे बताया हुआ है, मैं इसका भी फोटो आपको सेंड कर रही हूँ, तो आपको इसी तरह से ये एक्टिविटी करनी है। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्टिविटी। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जूम सेशन। ओके, टिल देट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो एंड अवर चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।